सभी को टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत शानदार चल रही होगी। आज का हमारा वीडियो इज रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28th। यह है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28th, ये समिट होने वाली है ऑन क्लाइमेट चेंज और यह है दुबई इन यूएई होने वाला है इसी साल। यह टॉपिक आपके इंटरव्यू और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 69th बीपीएससी मेंस में साइंस टेक का पोर्शन ऐसा है जिसमें कि यह टॉपिक हाईली एक्सपेक्टेड है। साथ में ऐसे में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हो सकता है। आज के द हिंदू में एक बहुत ही शानदार आर्टिकल इस पर दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपके आंसर को इनरिच कर सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड बेस्ड बना सकती हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 और क्लाइमेट चेंज, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले कि इस टॉपिक के मेन कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। भारत जो है वह जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जो भी इंटरनेशनल स्टेज पर क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी चर्चा हो रही है, और भारत उसमें हमेशा इक्विटी की मांग करता है। यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो एक तरफ यू हैव डेवलपिंग नेशंस और दूसरी तरफ है डेवलप्ड नेशंस, और आप समझ सकते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है सिंस द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और डेवलपिंग कंट्रीज का योगदान उसमें बहुत कम है। तो जस्टिस यह बोलता है कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए। और यहीं पर स्थिति जो है एक तरह से डेडलॉक की बनी हुई है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री इस बात को स्वीकार करने के लिए अब तक रेडी नहीं हुए हैं। सो इसमें देखिए कि जो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, दैट टुक प्लेस इन द ईयर 1992, और उसमें जो है यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यह लाया गया था उस वक्त, एंड दैट वाज इन द अर्थ समिट इटसेल्फ इन 1992। और इसमें कहा गया था कि जो पर कैपिटा एमिशन है, जो पर कैपिटा एमिशन यानी कि एक इंडिविजुअल के द्वारा जो CO2 या ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत हो गया, तो वहाँ पर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और जो ग्लोबल एमिशंस होता है उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। और यहाँ ज़रूरी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है सोशल और डेवलपमेंट नीड्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ग्लोबल एमिशंस जो है बहुत कम है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट नीड्स, और इस संदर्भ में डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने एमिशन को कर्टेल करने की ज़रूरत है। यह अर्थ समिट 1992 में इस बात को माना गया। इसी समिट में यह माना गया कि सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं, यानी कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो सबकी जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं उसको निभाने की ज़रूरत है, और साथ में जो क्षमता है उसी हिसाब से कार्बन एमिशंस को कम करना है। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास क्षमता ज़्यादा है, कार्बन एमिशंस को उनको कम करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना है, और उन्हें ज़्यादा कार्बन एमिशंस को कम करना है क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनकी जिम्मेदारी है। उसके अलावा देखिए डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग जो देश हैं यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनकी अलग अलग जिम्मेवारियाँ हैं। यू अंडरस्टैंड दे हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और क्षमता जो है वह अलग अलग है। यही इसका अर्थ है इन मैटर्स ऑफ टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, इसी के बारे में यह कॉन्वेंशन बात किया है। और इसमें देखिए कि इसी चीज़ को पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ 2015 में, इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज टू फाइट द मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसमें कहा गया कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि 1850s का जो समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, तो सन 2100 तक जो है टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है कंपेयर टू 1850s टाइम। और उसमें भी यह कहा गया पेरिस एग्रीमेंट में
कि अगर पॉसिबल हो तो इट शुड बी 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की असेसमेंट रिपोर्ट आई है एंड दिस इज द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, और यह जो रिपोर्ट है बहुत ही डेटा रिच है। इसमें यह कहा गया है कि एवरी 1000 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एमिशंस, जो भी एमिट हो रहा है CO2 1000 बिलियन टन में, उस कारण से एस्टिमेटेड 0.45 डिग्री सेल्सियस जो है ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर उसमें वृद्धि हो रही है। पहला तो डेटा यह है। दूसरा यह है IPCC का AR6 रिपोर्ट यह कहता है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि 1850s का जो टाइम है उस समय से अगर कंपेयर कीजिए तो 2019 में यह तापमान 1.07 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और यह बहुत ही स्टैगरिंग है, इन दिस सेंस वेरी अलार्मिंग सिचुएशन IPCC का रिपोर्ट बोलता है। और अगर हम लोग अलग मुद्दे की बात करें क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, तो ग्लोबल कार्बन बजट यह होता है कि जैसे मान लीजिए जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर लिमिट है, उसको लिमिट में रखना है, और टेम्परेचर लिमिट में जब रखना है तो उस संदर्भ में जो ग्लोबल रिसोर्स है उसका कितना यूज हो रहा है, और ग्लोबल रिसोर्स जो है सबके लिए बराबर है, एग्जॉस्टेबल है, दैट इज वह खत्म होने वाला है और वह सीमित भी है, ठीक है। और यहाँ जरूरी है कि इक्विटेबल मेथड्स ऑफ शेयरिंग इट हो, यानी कि जो ग्लोबल रिसोर्सेस है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वह खत्म होने वाला है यानी कि एग्जॉस्टेबल है और वह सीमित है, तो जरूरी है कि सभी पर उसका बराबर का अधिकार हो। और कार्बन बजट वही है, जो ग्लोबल कार्बन बजट भी उसी में आता है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस ऑन दी ग्लोब है, तो कार्बन बजट जो है उसका यूज भी सभी इक्विटेबल क्वांटिटी में करें। और UN फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो बेसिक प्रिंसिपल है, द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, इसी पर रेस्ट करता है, द हिंदू यह लिखता है। और इसमें देखिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूमुलेटिव ग्लोबल एमिशंस। अगर यह पूछा जाए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें देखिए कि IPCC की जो AR6 रिपोर्ट है, इसमें क्लियर कट यह कहता है कि जो विकसित देश हैं उनकी भूमिका सबसे ज्यादा है, और लार्जर शेयर दे हैव इन द ग्लोबल कार्बन बजट। जो कार्बन बजट है यानी कि खर्च कौन ज़्यादा किए हैं, जो कार्बन एमिशंस हुआ है वो, और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज दे आर फार अहेड कंपेयर टू डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और इसमें देखिए कि एक डेटा दिया गया है साउथ एशिया के बारे में, तो साउथ एशिया में देखिए जिसमें कि इंडिया भी शामिल है, और इसमें देखिए कि अगर आप सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ले लीजिए, यानी कि हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव एमिशंस अगर देखिए, ओनली 4% हुआ है सिंस द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जबकि आबादी जो है साउथ एशिया की एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन का ओनली 24%। इंडिया के बारे में ये बात कही गई है कि इंडिया में जो है पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट जो है बहुत ही कम है कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस, इट्स वेरी लेस। और भारत एक ऐसा देश है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं चूँकि ग्लोबल कार्बन जो बजट है वह कम हो रहा है, चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज उसको खर्च कर चुके हैं, तो भारत जैसे देश में जहाँ की डेवलपमेंट नीड्स हैं, यहाँ पे जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है जिससे कि एमिशन होता है। तो दूसरी तरफ यह भी है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, और यह जो ग्लोबल एनवायरनमेंटल चैलेंजेस है, क्लाइमेट चेंज है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह डेवलप्ड नेशंस की बनती है, और डेवलप्ड नेशंस ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ज़्यादा मात्रा में किए हैं, तो इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अभी के समय में एमिट करे, क्योंकि डेवलपमेंट नीड्स जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, जैसे कि भारत, उसकी ज़्यादा है। अगर आप देखिए कि जो पर कैपिटा CO2 जिसमें कि फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्री आ जाता है, तो साउथ एशिया की अगर बात करिए जिसमें भारत भी शामिल है, तो वह जस्ट 1.7 टन्स है, 1.7 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर कैपिटा, यानी एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अगर आप साउथ एशिया में देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्री के माध्यम से आता है, दैट इज ओनली 1.7 टन्स। वही अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करिए तो पर कैपिटा वही हो जाता है 15.4 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर कैपिटा, आप देख लीजिए। और जो वर्ल्ड का एवरेज है वह भी जो है साउथ एशिया से कहीं ज़्यादा है, वह 6.6 टन्स
कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर कैपिटा है। आप देखिए कि किस तरह का रिच डेटा ये है कि वर्ल्ड एवरेज जो है दैट इज 6.6 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर कैपिटा। नॉर्थ अमेरिका इज वेरी हाई एट 15.4 टन CO2 इक्विवेलेंट पर कैपिटा, लेकिन साउथ एशिया का आप देखिए कि दैट इज हार्डली 1.7 टन। सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि जस्टिस का जो प्रिंसिपल होता है वह यहाँ वायलेट हो रहा है। उसके अलावा देखिए 2022 में ऑयल, कोल और गैस, इसके माध्यम से देखिए कि जो टोटल एनर्जी जनरेट हुआ है वर्ल्ड में, तो ऑयल के माध्यम से 30% एनर्जी जनरेट हुआ है, कोल के माध्यम से 27% और गैस के माध्यम से 23% जो है टोटल एनर्जी जो है कंज्यूम और जनरेट दोनों हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ऑयल जो है यह फॉसिल फ्यूल है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, कोल से भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा। तो नेचुरली जो है अभी भी आप कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है, इसका कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड के एनर्जी कंजम्पशन में हार्डली 2.4% है। एंड देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो अभी भी जो है वर्ल्ड इज स्टिल लार्जली पावर्ड बाय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। करेक्शन हियर, इट्स नॉट रिन्यूएबल, इट्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से होता है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए कि अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी बढ़िया से आए, फिनांस अच्छे से आए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को वह एलोकेट कराया जाए बाय दी डेवलप्ड कंट्रीज़। एंड देयरफॉर दी स्टेटमेंट इज कि डेवलपमेंट इज़ दी फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और इसमें ज़रूरी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वह कितने समय तक जो उनके पास सीमित संसाधन है, स्कैर्स रिसोर्सेस, सीमित मैन पावर भी है, और जो अपना ध्यान है, अपनी पॉलिसी प्रायोरिटी है वह जो ग्लोबल एमिशंस को कंट्रोल करने में लगाएं, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में लगाएं, वैसी स्थिति में जब यह जिम्मेवारी जो है यह डेवलप कंट्रीज की होनी चाहिए, क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ही ग्लोबल एमिशंस ज़्यादा किया है, कार्बन फुटप्रिंट उनका ज़्यादा है, इसीलिए उनको ही दैट इज़ द डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा रिसोर्सेस लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा मैन पावर लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा फिनांस लगाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अटेंशन लगाने की ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और उसी में देखिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ ज़रूरी है कि उनको मिटिगेशन एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, और वह रियलिटी में हो रादर देन मेयरली ए हॉग वॉश, यानी कि सिर्फ अनाउंसमेंट करने से नहीं होगा, उनको जो है अपना मिटिगेशन एफर्ट्स को एक्सीलरेट करना होगा, तभी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी है उसको वो पूरा कर पाएंगे। और इसी में देखिए कि जरूरी है, आर्टिकल लिखता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया जो है उनको एक फेयर और इक्विटेबल शेयर ऑफ देयर कार्बन बजट जो है उसमें उनका भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली देखिए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी ज़्यादा योगदान होना चाहिए अब। और ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रूटफुल कमिटमेंट्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़। जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ अब तक हुआ है, अप टिल नाउ देयर हैव बीन 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और हर बार डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये कहा गया कि जिम्मेवारी ज़्यादा लेनी है, चूँकि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा है, तो कमिटमेंट भी उनको लेना होगा कि कार्बन फुटप्रिंट को वह कम करें, और जो प्रॉमिस किया गया है उसके हिसाब से ही काम करना होगा, और एडिशनल फिनांस को एलोकेट कराना होगा डेवलप कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आप भारत का इनिशिएटिव देखिए कि क्या लिया गया है फॉर फाइटिंग द मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इंटरनेशनल कॉन्सेंसस बनाने का भारत के द्वारा प्रयास हुआ है। दूसरा एफर्ट देखिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत के इनिशिएटिव के माध्यम से ही हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम। उसके अलावा भारत देखिए कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक बनाया गया है भारत के इनिशिएटिव के द्वारा। तीसरा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, भी इनिशिएटिव लिया गया है। उसके अलावा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन, दैट इज द लाइफ मिशन इज देयर। सो दिस इनिशिएटिव ऑल्सो हैज बीन टेकन बाय इंडिया टू फाइट द मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एलॉन्ग विद डेवलपिंग कंट्रीज। और इसमें देखिए इंडियन गवर्नमेंट की जो भूमिका रही है, इसमें जो है अवेयरनेस को क्रिएट करना है, फिर अपने जो लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाना है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो, यह बेस्ट वे फॉरवर्ड होगा। तो भारत के द्वारा ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं।
अब देखिए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो होने वाला है 2023 में, दिस विल बी इन दुबई यूएई, और इसमें जो है भारत की भूमिका यही होगी कि फेयर और इक्विटेबल शेयर होना चाहिए कार्बन बजट में, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसमें डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज का फेयर फुटप्रिंट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट रिपेरेशंस यानी कि जो डैमेज किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, तो जरूरी है कि वह उसका हर्जाना दें टू दी डेवलपिंग कंट्रीज, और फेयरनेस हो इन दी ग्लोबल ऑर्डर, यानी कि चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनको अभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, पॉवर्टी रिड्यूस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन फुटप्रिंट उनका बढ़ेगा। तो चूंकि डेवलप्ड कंट्रीज पहले से ही कार्बन फुटप्रिंट का बहुत बड़ा भाग लिए हुए हैं, उनको कार्बन फुटप्रिंट को कम करके वह जो पुअर कंट्रीज हैं उनको देने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय फेयर ग्लोबल ऑर्डर एज फार एज एक्सेस टू कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन बजट इज कंसर्न्ड। और इसमें देखिए कि साइंटिस्ट का यह कहना है कि $50 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट अगर लें, अगर मान लीजिए प्राइस लिया जाए जो कार्बन बजट है, दैट इज पर कैपिटा अगर लें, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो कार्बन डेट है यानी कि जो उधार है उनका, जो कार्बन वो खर्च किए हैं इनइक्विटेबल तरीके से, तो पूरे वर्ल्ड को जो उनको उधार है दैट इज क्लोज टू $51 trillion, यानी कि उनका उधार है, और यह उधार जो है वह पुअर कंट्रीज के लिए है, पुअर कंट्रीज को वो ऑ करते हैं यह उधार। तो जरूरी है कि कार्बन फुटप्रिंट पुअर कंट्रीज को ज़्यादा मिले ताकि डेवलप कंट्रीज जो हैं $51 trillion जो है वह पुअर कंट्रीज को दे सकें, ताकि पुअर कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज उनका कार्बन फुटप्रिंट बढ़े। सो दैट इज द एस्टिमेशन बाय द साइंटिस्ट। अब देखिए उसी संदर्भ में है कि जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें फिनांस की बात की गई थी और टेक्नोलॉजी की बात की गई थी, लेकिन अभी भी देखिए कि डेवलप कंट्रीज ने जो है अभी तक फिनांस और टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं मुहैया कराया है जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15th जो हुआ था कोपेनहेगन में 2009 में, उसमें भी प्रॉमिस किया गया था बाय दी डेवलप्ड कंट्रीज कि $100 billion वुड बी एलोकेटेड एवरी ईयर टू दी डेवलपिंग कंट्रीज एंड दी पुअर कंट्रीज इन मैटर्स ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसीलिए जरूरी है कि अब जो न्यू इंडिया है इस मैटर पे असर्टिव रहे, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको अपना मनमाना जो अप्रोच अब तक रहा है उसको बंद करे, और उसमें इंडिया शुड टेक अ लीड, इंडिया शुड एंश्योर कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसमें जस्टिस इज प्रमोटेड एंड दूसरा इक्विटी इज प्रमोटेड, जिसमें कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो सके। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।